नमस्कार दोस्तों, आज की जो वीडियो है इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रनआउट और टोटल रनआउट के बारे में, ये क्या होता है और दोनों को हम किस तरह से चेक करते हैं, क्या डिफरेंस है दोनों में। तो ये सभी चीज़ें आज की इस वीडियो में आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि ये चीज़ें क्या होती हैं और किस तरह से हम इसको चेक करते हैं। रनआउट और टोटल रनआउट के बारे में बताने वाला हूँ दोस्तों। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक बने रहना वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक शाफ्ट, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक शाफ्ट है, इसकी हमने टर्निंग की हुई है। अब हम इस पर चेक करेंगे जो रनआउट और टोटल रनआउट है वो क्या होता है और किस तरह से हम चेक कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने लेथ पे इसको अटैच किया हुआ है, पूरा यहाँ पर रिवॉल्विंग सेंटर लगाया हुआ है। उसके साथ में मैंने, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक डायल टेस्ट इंडिकेटर लिया हुआ है मैंने, जो कि प्लंजर टाइप है। और उसके साथ हमने यहाँ पर इसका स्टैंड भी लिया जो कि मैग्नेटिक है, आप यहाँ से देख सकते हैं मैंने इसकी मैग्नेट से इसको फिक्स कर दिया है। उसके बाद करना क्या है, अगर हमें इसका रनआउट, अब मैं आप पहले बताऊंगा आपको रनआउट, फिर उसके बाद टोटल रनआउट चेक करके देखेंगे कि इस शाफ्ट में रनआउट और टोटल रनआउट क्या आता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसको पहले डायल को बिल्कुल जीरो किया हुआ है, देख सकते हैं। इसके साथ फिर हम इसकी हिसाब से इसको रोटेट करते हैं आगे। देखिए अब इस पर हम एक इनिशियल प्रेशर लेते हैं इस शाफ्ट के अकॉर्डिंग। इनिशियल प्रेशर आप देख सकते हैं यहाँ से लेके मैंने ये लगभग 0.3 यानी 300 माइक्रोन्स का मैंने इनिशियल प्रेशर इस पर शाफ्ट पर हमने डायल से ले लिया है। इसके बाद क्या करना है, हमें अपने डायल को वापस जीरो सेट करना होगा। ये जो प्रेशर लिया है, इसके बाद इसकी इसके ब्रेजल को इस तरह से रोटेट करके, आप देख सकते हैं जिस तरह से मैं कर रहा हूँ, इसकी ब्रेजल को यहाँ से रोटेट करके हमने इसको वापस जीरो पे सेट कर दिया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल हमारा ये वापस इसको जीरो पे सेट किया है, देखेंगे आप यहाँ से। अब इसके बाद हम इसकी रनआउट की बात करने वाले थे, हम इसका रनआउट चेक करते हैं कि सबसे पहले हमारा जो इसका रनआउट है वो क्या है। तो रनआउट चेक करने के लिए आप देखेंगे यहाँ से मैंने इसको जीरो कर लिया है बिल्कुल फिक्स, 300 माइक्रोन का मैंने 0.3 300 माइक्रोन का प्रेशर भी ले लिया। अब हम इस देखिए इसके चक के साथ शाफ्ट को जो है रोटेट करते हैं। अब देखिए मैं इसको पूरा एक 360 रोटेशन में रोटेट कर रहा हूँ, तो देख सकते हैं आप जीरो से यहाँ पर देखेंगे 0.1 2 3 4 5, तो आप देख सकते हैं 5 यानी जो डायल की जो 5 लाइंस हैं, 5 डिविजन्स हैं वो फ्लैक्चुएट कर रही हैं, देख सकते हैं आप यहाँ से। तो ये इसका जो रनआउट है इसमें क्या, यानी जैसे मैंने पहले आपको इससे पहले की जो वीडियो दिखाई थी मैंने उसमें आपको सिलेंड्रिसिटी के बारे में बताया था, सिलेंड्रिसिटी, सर्कुलरिटी, राउंडनेस के बारे में बताया था। तो सेम राउंडनेस और इसमें भी ज़्यादा रनआउट और राउंडनेस में बस यही डिफरेंस होता है कि इसमें आपको इसकी वैल्यू का पता चलता है। तो देखेंगे अभी अगर हम इसकी शाफ्ट की जिसकी रनआउट की बात करें तो देखेंगे यहाँ से इसकी 5 डिवीज़न कैलकुलेट कर रही है और डायल की मैंने बताया था इसकी जो एक डिवीज़न होती है वो 0.01 की होती है, 5 डिवीज़न यानी 0.05 यानी 0.05 यानी 50 माइक्रोन्स का इसमें वाइब्रेशन आ रहा है, देख सकते हैं आप यहाँ से 50 माइक्रोन्स का वाइब्रेशन इसके रनआउट में आ रहा है। तो ये शाफ्ट में हम इस तरह से इसका रनआउट चेक कर सकते हैं। आप किसी भी शाफ्ट का रनआउट चेक करना है तो आप इस तरह से यहाँ से डायल लगा के किसी भी शाफ्ट का रनआउट चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से हम रनआउट को चेक करते हैं। इसके बाद हमने जैसे रनआउट देख लिया, इसके बाद अगर हम बात करें टोटल रनआउट की, तो टोटल जो रनआउट है इसका, जैसे आपने देखा मैंने सिर्फ एक ही पॉइंट से इसको चेक किया है, तो ये तो इसका रनआउट हो गया यहाँ पे। अभी मुझे इस पूरी शाफ्ट का टोटल रनआउट चेक करना है, तो मैं यहाँ से इसके 3 पॉइंट्स ले लेता हूँ, जैसे कोई भी 3 या 2 या 3 पॉइंट ले सकते हैं आप। तो जैसे कि फर्स्ट पॉइंट मैं यहाँ पर ले लेता हूँ इसको, उसके बाद एक और पॉइंट लेते हैं और यहाँ पर एक और पॉइंट ले लेते हैं, 2 या 3 पॉइंट हम ले लेते हैं इसके, एक यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। इस तरह से हमने 3 पॉइंट्स ले लिए। अब इसके बाद हम इसकी जो ये है इसको हर एक जगह पर रोटेट करके देखेंगे, तीनों जगह हमारी जो रनआउट है 3 या 4 2 पॉइंट्स पर जो रनआउट आ रहा है, वेरिएशंस आ रही है, वो क्या आ रही है, सेम वेरिएशन आ रही है, कितना अप जा रहा है कितना डाउन जा रहा है, ये टोटल हमारा हो जाता है टोटल रनआउट। किस तरह से करेंगे, जैसे मैंने आपको यहाँ पर ये चेक करके दिखाया था, सेम वही प्रेशर है यहाँ पर मैंने दिखाया था आपको, यहाँ पर ये वेरिएशन आ रही है 0.05 यानी 50 माइक्रोन्स की वेरिएशन आ रही है यहाँ पर। सेम इसी तरह से हम अब इसके आगे वाले पॉइंट पे चलते हैं,
देखिए इसकी मैं वापस इसको आगे वाले पॉइंट पे लेके चलता हूँ और ये यहाँ पर, अब देखते हैं हम यहाँ पर क्या वेरिएशन आ रही है। देखिए यहाँ पर भी रोटेट करते हैं, देखिए यहाँ पर कुछ ज़्यादा वेरिएशंस आ रही हैं। देखिए यहाँ पर 100 माइक्रोन्स यानी 0.1 तक का वेरिएशंस आ रहा है इसमें, 100 माइक्रोन्स तक का वेरिएशन है इसमें। सेम इसी तरह से हम आगे लेके जाएंगे तीसरे पॉइंट पे, तीसरे पॉइंट पे लेके चलेंगे इसको इस तरह से आगे। तो देख सकते हैं हम ये तीसरे पॉइंट पे भी लेके आ गए और यहाँ से भी हम इसके देखते हैं इसको फ्लक्चुएट करके देखते हैं। तो इस तरह से हम तीनों जो जितना भी तीनों पॉइंट्स में हमें जो वेरिएशन आ रहा है उसको कैलकुलेट करके हम इस तरह से इसका टोटल रनआउट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे इस जो शाफ्ट में हमें रनआउट भी देखने को आ रहा है और टोटल रनआउट भी देखने आ रहा है। अब मैं एक आपको ट्रू, बिल्कुल ट्रू शाफ्ट होती है वो शाफ्ट में मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ कि बिल्कुल 0-0 शाफ्ट किस तरह से होती है। तो चलते हैं अभी हम अपने सरफेस प्लेट की तरफ, वहाँ पर हमने एक और शाफ्ट है हमारे पास, तो उसको चेक करते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पर एक और शाफ्ट है हमारे पास, यहाँ सरफेस प्लेट है, ये कास्ट आयरन की सरफेस प्लेट है और यहाँ पर हमने दो ये वी ब्लॉक लिए हैं और साथ में हमारा वही डायल टेस्ट इंडिकेटर। वैसे तो ये चीज़ें सेंटर टेबल पे किया जाता है, चाहे रनआउट या टोटल रनआउट किया जाता है, लेकिन मैं आपको वो नहीं है मेरे पास, तो मैं आपको ये वी ब्लॉक की हेल्प से चेक करके बताने वाला हूँ। तो सेम क्या करेंगे, हम सबसे पहले अपने डायल को जीरो कर लेते हैं, जैसे कि ये यहाँ से घुमा के हमने जीरो किया और अपनी शाफ्ट पर भी बिल्कुल जीरो सेट कर लेते हैं, कुछ इनिशियल प्रेशर के साथ सेटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले चलिए सेटिंग कर लें इसकी। सो गाइस आप देख सकते हैं मैंने कुछ इनिशियल प्रेशर के साथ, आप दी हुई टॉलरेंस के अकॉर्डिंग आप इनिशियल प्रेशर ले सकते हैं, मैंने ले लिया है। उसके बाद मैं वापस इसको जीरो पर सेट कर देता हूँ, तो डायल को मैं वापस जीरो सेट करते हैं इसकी ब्रेजल से इसको रोटेट करके। ये देखिए मैंने यहाँ पर इसको वापस जीरो पर सेट कर दिया है। अब हम इस शाफ्ट का राउंड आउट चेक करते हैं। तो देखिए जैसे ही मैं इस शाफ्ट को रोटेट करता हूँ, अब देखिए मैं इस शाफ्ट को इस टाइम रोटेट कर रहा हूँ और देखिए हमारी जो निडल है वो बिल्कुल भी रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है, देख सकते हैं आप बिल्कुल 0-0, यानी इस शाफ्ट का जो रनआउट बिल्कुल 0-0, यानी इसका रनआउट बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह से आप देखें, मैंने आपको दिखाया कि रनआउट में वेरिएशंस किस तरह से आ रही थी और किस तरह से बिल्कुल एक्यूरेट है। आप देखेंगे ये बिल्कुल भी निडल हमारी फ्लक्चुएट नहीं कर रही है, इसका रनआउट मीन्स बिल्कुल ठीक है। सेम इसी शाफ्ट का, जैसे हमने उसका शाफ्ट का टोटल रनआउट चेक किया था, इसका भी टोटल रनआउट चेक करते हैं और देखते हैं वो उसमें क्या वेरिएशंस आती हैं। तो हम सेम तीन पॉइंट्स ले लेते हैं, यहाँ से एक ये ले लेते हैं और एक यहाँ पर ले लेते हैं। अब देखिए हम तीनों पॉइंट्स पे जाकर इसको चेक करेंगे कि क्या वेरिएशंस आती हैं। सबसे पहले देखते हैं हम इस वाले पॉइंट पर आते हैं और यहाँ से देखिए इसको रोटेट करते हैं, तो यहाँ भी कोई वेरिएशंस नहीं आ रही है। सेम एक और जो पॉइंट मैंने लगाया था यहाँ पर, ये देखेंगे आप, ये मार्क लगाया था मैंने यहाँ पर, एक ये और एक ये और एक उधर है, मैं वो भी दिखा दूँगा आपको। तो हम इस वाले पॉइंट पर आते हैं, सेम देखिए इस तरह से वापस हम इस पॉइंट पर आ गए और देखिए यहाँ से हम इस पॉइंट को भी रोटेट करते हैं, देखिए तो यहाँ भी कोई वेरिएशंस नहीं आ रही हैं। तो इसके भी टोटल राउंड आउट है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, कोई वेरिएशंस नहीं है। सेम इसी तरह से हमने जो लास्ट पॉइंट लिया था, तीसरा पॉइंट हम यहाँ पर ले लेते हैं, एक और तीसरा पॉइंट ये देखते हैं, तीन पॉइंट ये देखिए मैंने, तीन पॉइंट हो गए हमारे यहाँ से, 1 और 2 और ये 3। तो ये देखिए यहाँ पर भी हम इस पॉइंट पर भी हम चेक करते हैं, तो ये थोड़ा सा हल्का सा फ्लक्चुएट कर रहा है क्योंकि थोड़ा सा ये अटैचमेंट थोड़ा हमारा फिक्स नहीं है, इसीलिए मैंने बताया था कि सेंटर टेबल पे हम करते हैं। वैसे तो हमारी जो ये शाफ्ट है बिल्कुल ट्रू है, इसका रनआउट बिल्कुल ओके है। इसी तरह तो ये तो था दोस्तों आज की इस वीडियो में रनआउट और टोटल रनआउट के बारे में कि क्या चीज़ होती है, किस तरह से हम चेक करते हैं। आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना। और हाँ दोस्तों, अगर चैनल पे नए आए हैं अभी, आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए, जिससे हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।